लीची बड़ा लाल लाल नजर आ रहा है, सुपर लीची नजर आ रहा है, कैसे कैसे बताइए? 180 रुपए सैकड़ा यहाँ पे बिकता है। अच्छा, अभी लीची बिक रहा है 150 रुपए। देखिए उधर 160 है, 150 रुपए के साथ साथ आम भी मिलेगा आपको। कचरियो बचका खाइए, आम भी ले जाइए, और ये पुराना ट्रेडिशन है कि गर्मियों का मौसम है और अपने अगर आम लीची का स्वाद नहीं लिया तो क्या ही लिया। देखिए यहाँ पर लीची का पूरा बाजार लगा हुआ है और यहाँ पर खरीदारी करने वाले यहाँ पर तमाम लोग हैं, और इसका कुछ अलग है, इसका स्वाद ही कुछ अलग है, इसको लेकर चखना है। चखना तो है ही, और हमको लगता है कि अब यहाँ के लिए लास्ट हो चुका है। अच्छा, लास्ट हो चुका है, कुछ दिन और मिलेगा, इसके बाद आम का सीजन आएगा। अच्छा, लीची खरीदारी करने आए हुए, क्या कुछ कहिएगा? मतलब गर्मी में भी गमछा और करके लीची खरीदने आए हुए, क्या कहिएगा? थोड़ा इधर आ जाइए, उधर 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 से कीजिएगा। हाँ, क्या कुछ कहिएगा? इतना गर्मी में पूरा पसीना से टपटपाए हुए हैं, लेकिन लीची खाना है, सीजनली है तो लीची तो खाना है, सीजनली है इसलिए लीची खाना है। गर्मी तो बहुत है, गर्मी बहुत है, लगभग पार कर गया होगा। हाँ, गर्मी तो अब तो चुनावी गर्मी खत्म हो गया है, अब तो मौसमी गर्मी, अब मौसमी गर्मी है, सरकार लीची सरकार जैसा कि चुनावी गर्मी समाप्त हुआ और लीची का गर्मी स्टार्ट हुआ। और देखिए भैया एकदम पसीना से लदबदाए हुए हैं और लीची बेच रहे हैं। कैसे कैसे है भैया सैकड़ा लीची बिक रहा है यहाँ? 160 रुपए सैकड़ा लीची है। कौन लीची है? चाइना लीची है, 160 रुपए। आइए एक बार स्वाद चखिए। देखिए ये सीवर और मुजफ्फरपुर के सटा हुआ, ये मुजफ्फरपुर का सटा हुआ जिला है सीवर जिला, जहाँ पर आपको लीची चखने को मिलेगा, जबरदस्त लीची मिलेगा। और यहाँ पर देखिए तमाम प्रकार के लीची है, शाही लीची खाना है, चाइना लीची खाना है, जो लीची खाना है खाइए, एकदम मजे में खाइए। भैया का लीची बड़ा लाल लाल नजर आ रहा है, सुपर लीची नजर आ रहा है, कैसे कैसे बताइए? 180 रुपए सैकड़ा यहाँ पर बिकता है। अच्छा, नहीं चलता है? अच्छा, किलो नहीं चलता है, सही। यहाँ पर सीजनली फल है। अच्छा, सीजनली है ये, मतलब सिर्फ यही लीची देते, इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद हरा सब्जी बेचेंगे। इसके बाद हरा सब्जी बेचिएगा। देखिए इसके बाद हरा सब्जी बेचेंगे, लेकिन अभी सीजन है तो अभी लीची बेचेंगे, मोटा रुपया कमाएंगे, कमाई उमाई हो जाता है, हो जाता है, 500-600 रुपया रोज का दिहाड़ी हो जाता है। देखिए 500-600 रुपया रोज का दिहाड़ी हो जाता है। यहाँ पर एगो चाची है, वो भी लीची बेच रही, क्या कुछ करिएगा चाची? कैसे कैसे अभी लीची बिक रहा है? 150 रुपए। देखिए उधर 160 है, 150 रुपया, 10 रुपया का मैंने इन्हें फायदा हो रहा है। कहाँ है लीची में आप 150, 160 बिक रहा है? 20 रुपया पेट भर जाएगा, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए। अच्छा, आपको ज्यादा नहीं, चाची को ज्यादा रुपया नहीं चाहिए, कम रुपया कमाना है, लोगों को स्वाद चखाना है ना, मतलब लोगों को खिलाना, इसलिए थोड़ा सा कम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा इसलिए 150। अच्छा, नहीं चलेगा इसीलिए 150 रुपए खिला रहे हैं लोगों का। यहाँ पर एक बच्ची भी है और छाता लेके खड़ी है, इतना धूप में लीची बेच रही है। क्या नाम हुआ बाबू? रोशनी। पढ़ने उड़ने जाते हो, स्कूल जाते हो, और स्कूल से आकर के लीची बेच रहे हो? आज संडे है इसलिए छुट्टी है, पता देखिए छुट्टी है तो ये लोग भी मतलब बाजार में आए हुए और अपने मम्मी का साथ देने आई हुई है और लीची बेच रही है। देखिए अभी तक तो नहीं चखे हैं, कब चखे आपको समय जा रहा है लीची का? शाम को। अच्छा, शाम को चखना है, मतलब मतलब गर्मी है लेकिन आप लीची खरीदने आ गए। देखिए आपके मतलब पन्नी में भी आमे नजर आ रहा है। कैसे कैसे केजी मिला है? पता नहीं, मैंने नहीं दिया। अच्छा, आपने नहीं। चाची क्या कुछ कहिएगा, कैसे कैसे अभी महंगाई होगा आम का? क्या है अभी आम पहले से सस्ता हुआ है कि अभी महंगा ही है? अच्छा, अभी महंगा है। भैया आप क्या कहिएगा, कैसे है अभी आम का, मतलब भाव कैसा लग रहा है कि मार्केट में? महंगा है, सस्ता है, क्या है? महंगा है, महंगा है, सस्ता और होना चाहिए। कचरी बचका के साथ साथ आम भी मिलेगा आपको, कचरियो बचका खाइए, आम भी ले जाइए, और ये पुराना ट्रेडिशन है कि बाजार आए हैं तो मुड़ी कचरी तो खाएंगे ही, स्वाद चखेंगे। कैसे कैसे भैया कचरी उचरी बिक रहा है? 1 रुपया, मात्र 1 रुपया में इतना बड़ा कचरी मिल रहा है, इतना महंगाई में, सोचिए बहुत बड़ी बात है। हो गया। अरे कोई बात नहीं, शारदा बम्बई मालदा, जबरदस्त का आइटम रखे हुए, एकदम जबरदस्त आपको आपको आम खिलाएंगे। ये देखिए आम का वैरायटी, एकदम पीला पीला। ही कौन आम है भैया? शारदा। और ये वाला कौन आम है? किसी भोग है। कैसे केजी है? 100 में 2 किलो, 100 में, मात्र 100 में 2 किलो, मात्र 100 में 2 किलो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर टोकरी उठाया हुआ है, का नाम है अंशु, आई कहाँ लेके जा रहा है? अरे इतना लीची लेके जाएगा जी घर पे, मैंने इतना लीची खा जाएगा? परिवार ज्यादा है। अच्छा, परिवार ज्यादा है, क्या कहे हैं?
परिवार ज्यादा है, परिवार ज्यादा है। देखिए चाचा बेना होकर है लेकिन कमेंटबाजी कर रहे हैं, मतलब इतना ज्यादा लीची ले जाने का कारण है कि परिवार ज्यादा है इसीलिए इतना लीची लेकर जा रहा है। अच्छा एगो चाची है ने एकदम धूप में से थाकल उकल बैठल, इनसे बात करते लीची उची का स्वाद खाएगा। अच्छा चाची बताओ लीची उची खैलिए कि नहीं, मौसम खैलिए कि नहीं खैलिए, मतलब मौसमी फल महंगा बा कि सस्ता बा? महंगा बा, कितना महंगा बा, सस्ता कितना होके चाहिए? आम का प्रकोप है, देखिए देहात बनाए हुए हैं, आम लीची खा के क्या कहिएगा, क्या नाम हुआ? राजा कुमार, पूरा राजा वाला देह है, राजा वाला मुस्कान है। कौन कौन, ये कौन नाम है? मालदा है, बम्बई है, जर्दा है, कैसे 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 किलो हे भैया, कोनो दू किलो कह रहे, कोनो अढ़ाई किलो कह रहे, काहे इसे रेट का डिफरेंस? सब सामान के जैसे जैसे। अच्छा जैसा आम लीजिएगा वैसा दाम देना पड़ेगा। देखिए तमाम प्रकार के चीजें हैं और तमाम प्रकार के आम हैं, आम और लीची का सबका दाम अलग अलग।